इंडिया में सर्विस के लिए वैसे कोई पे करने को तैयार नहीं है, yeah. है right? तो कोई भी बनाना ना, इंडिया में बहुत टफ चीज है ठीक hmm. in है सोशल आउटिंग राइट यूएस में क्या है कि आपको वॉलमार्ट जाना है तो आप महीने में एक बार ही जाओगे पूरा अपना गाड़ी का ट्रंक भर के ले आओगे इंडिया में वो नहीं है इंडिया में हर रोज ही जाओगे सब्जी लेके आओगे अब जब तुम हर रोज सब्जी लेने जा रहे हो तो तुम अंडरब्रेड भी लेट hmm. बिल्डिंग का, hmm. right? का कल्चर है सो यूफ यू ऑर्डर एवरेज टिकट साइज तेरह हजार रुपये होता है तेरह हजार रुपये पे आपका तीस परसेंट मार्जिन होता है तो आप चार पांच हजार रुपए तो पर ऑर्डर बना ही सकते इंडिया में क्या है मार्जिन है पंद्रह परसेंट और एवरेज टिकट साइज है बारह सौ रुपए ठीक <laughs> है तो आपको एक सौ अस्सी रुपए कमाने को है अब एक सौ अस्सी रूपए डिस्काउंट भी देना है वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी निकालनी है आपको लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी निकालनी है और आपको कस्टमर भी एक्वायर करना है <laughs> और उसके बाद लोग रिटर्न भी कर देंगे बोलेंगे पसंद नहीं आया ये पुराना है तो उस कैटेगरी में ना पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है एक ही चीज पे आप पैसा बना सकते हो अगर आपका बास्केट साइज अच्छा है नायका क्यों पैसा बनाता है कितनी छोटी चीज और कितनी हाई वैल्यू चीज आप डिलीवर कर सकते हो उस उसपे पैसा बनता है ठीक है आप कोई भी फ्लिपकार्ट वगैरह भी देख लोगे उनका पैसा मोबाइल फोन पे बनता है तो इतना छोटा सा डब्बा आता है और उस, उसको बीस हजार तीस हजार रुपए में बेचोगे आपका कुछ मार्जिन है उसमें ठीक है कॉस्मेटिक्स में बहुत मार्जिन है वो तो इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट की डिब्बी भी चार पांच हजार रुपए की आ सकती है तो उसमें पैसा बन सकता है बट ये जो दस मिनट पंद्रह मिनट साढ़े मिनट कोई पैसा नहीं बन सकता